हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। और आज वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और भाई बहुत ही ज़्यादा प्यारा नन्ना मुन्ना, मतलब बड़ा है वैसे तो काफ़ी ज़्यादा, हमारा बॉक्स आज आ गया है नेवर सेटल वन प्लस की तरफ से। वन प्लस टीवी 32 इंच वाला मैंने ऑर्डर कर दिया था और ऐसे मस्त फोटो वोटो खिंचवाई हमने जब डिलीवरी देने आए। उसके बाद उन्होंने हमारे को डिलीवरी दी और मैंने सोचा अब आप लोगों को भी डिलीवरी दे देते हैं हम टीवी के अनबॉक्सिंग की। जगह की थोड़ी कमी पड़ गई है क्योंकि 32 है यार। मैं नहीं, एक मिनट रुको, उल्टा रख दिया मैंने, ऐसे दिखाना था। बहुत ज़्यादा अमेजन वालों ने मेहनत करी भाई, रिबन रिबन लगा के दिया बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से। बहुत थैंक यू अमेजन, थैंक यू सो मच अमेजन। बेजललेस टीवी, एंड्रॉयड टीवी, गूगल असिस्टेंट, पता नहीं क्या क्या। तो चेक करते हैं भाई आखिर माजरा क्या है, आखिर 13,000 के अंदर क्या माल मिल रहा है हमारे को वन प्लस टीवी के अंदर। तो यार यहाँ पे इसका जो MRP लिखी है वो 20,000 रुपये लिखी है और MRP क्या तो चीज़ है भाई, बिकती है नहीं, तुम लोगों को पता ही है। मस्त, अब भाई मार लिया है चक्कू भाई, चप्पलों को थोड़ा एक्सक्यूज भाई। तो गाइस ये स्टैंड मिल जाता है इसके अंदर, केबल वोबल है इसके अंदर, पूरे पाउच के अंदर क्या है भाई साहब। ओके भाई, रिमोट दे रखा बढ़िया मस्त एकदम। चल यार कौन पढ़ता है किताबें यार तोड़ दिया यार ये हल्का सा साइड से टूट गया, कोई नहीं चलो। अब देख यार मैं भी पहली बार देखूंगा, तुम लोग भी पहली बार देखना, डब्बा नीचे पड़ा है बेचारा उसको पड़े रहने देते हैं। अब मैं भी पहली बार देखूंगा और तुम भी देखना कि भाई कैसा है। तो फटाफट से बेजल्स तो मुझे बहुत ज़्यादा बड़ी क्या यही बेजल्स हैं, रुको यार इसको ऐसे रख देता हूं। दोस्तों अब निकाल लेते हैं भाई। ओ नहीं भाई, बेजल्स सच में भाई बहुत ज़्यादा कम है। तो भाई देख सकते यार बेजल्स बहुत ही ज़्यादा कम है यार, लिटरली बहुत ज़्यादा कम है। मैं मजाक सोच रहा था, मेरे को लगा पहले वाली जो टेप है ये बेजल है, सच में बहुत ज्यादा पतला है। मैं लाइक मैं शॉमी वाला टीवी यूज करा है मैंने, उससे तो भाई ये बहुत ही ज्यादा पतला है। सही बात यार है, वैसे यार टीवी हल्का बहुत है तो इसलिए मेरे को टेंशन नहीं है, मैं अकेले संभाल सकता हूँ यार। वैसे टीवी सच में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लग रहा है, लेकिन थोड़े बहुत फिंगरप्रिंट्स लग गए हैं जैसे देख सकते हो, बट भाई दिखने में तो काफी ज्यादा अमेजिंग लग रहा है। इतने ज्यादा खुशी हो रही है वो टीवी की पता नहीं क्यों, क्योंकि काफी ज्यादा तगड़ा बनाया भाई वन प्लस ने यार, मजे आ रहे हैं। मैं इसको फटाफट से ऑन करके देखते हैं और क्वालिटी का फिर अंदाजा हो जाएगा। मैं इसको ऐसे ही रखूंगा स्टेबल पे। थोड़ा पेच कसने का टाइम आ गया है दोस्तों, अब पेच कसे जाएंगे, इसकी टांगे इस पे लगाई जाएंगी और इसको टांगे दी जाएंगी ताकि ये खड़ा हो सके, जैसे भी पड़ा हुआ बेचारा। तो फटाफट से टांगे दे देता हूँ मैं। देखो यार कपड़े उतारने में हम पूरा विश्वास रखते हैं और ये कपड़े उतार दिए जाएंगे। आप लोगों ने सुना है और भाई ये क्यों पहनाए भाई, मेरे को समझ नहीं आता है भाई पन्नियाँ क्यों चढ़ा रखी हैं भाई। वाह फेल हो गई पन्नी उतारना भी, देख रहे हो। ओ भाई सर, मैंने इसको प्लग में तो कनेक्ट कर दिया है, यहाँ पे देख सकते हो प्लग में कनेक्ट कर दिया है, लेकिन अभी कुछ हुआ नहीं। तो मैं फटाफट से रिमोट ऑन कर लेता हूँ भाई, रिमोट ये रहा इसका, रिमोट चेक करते हैं भाई कैसा है। कि रिमोट के अंदर भी कुछ चीज़ें इंटरेस्टिंग मैंने सुना है। 12,000 के अंदर भाई ये वाला रिमोट देखने को मिल जाता है यार। रिमोट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मतलब फील काफ़ी सही आ रही है, देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकली सही बनाया हुआ है, पीछे से मोटा के पतला और सही है रिमोट। इसमें फटाफट से डालते हैं यूट्यूब का लाइक मेन आपको फंक्शन में देखने को मिल जाता है, मेन्यू नेटफ्लिक्स प्राइम वीडियो, सही है यार ये चीज काफी बढ़िया लगेंगे। और दोस्तों सेल्फी मिलते हैं यार हमारे को भाई इसके साथ में, जिसके लिए हम लोग काफी दिनों से, देखो फ्री चीज सबको पसंद आती है, चाहे सेल हो चाहे कुछ भी हो, फ्री का हो माल मजा आ जाता है। फ्री के सेल है, जिंदगी सौभाग्यशाली हो गई है क्योंकि भाई भले ही ये कितना बड़ा हमने महंगा लिया हो लेकिन सेल फ्री मिले मजा ही आ रहा है। तो यार तुम लोगों को भाग के जाना नहीं पड़ेगा दुकान पे सेल लेने के लिए, कोरोना वैसे ही फैला हुआ, घर में बैठो सेल लगाओ, टीवी देखो मस्त, नेटफ्लिक्स मारो। वन प्लस का लोग आ गया है दोस्तों, देखते हैं भाई आगे क्या। यार पेयरिंग बहुत ज़्यादा आसान थी, पेयरिंग हो गई है जान दिख क्या रहा, वन प्लस RC रिमोट का पेयर हो चुका है तो काफ़ी सही है, पेयर्ड हो गया सही है। ये देखो वेलकम, अब इसको सेटअप करना है, मस्त सेटअप कर लेते हैं भाई फटाफट से। यार सॉफ्टवेयर मुझे ऐसा लगता है काफ़ी सही है, क्विक सेटअप है टीवी विद योर एंड्रॉइड फोन, स्किप कर दो उसे भाई, मस्त एकदम उसका सेटअप कर लिया फटाफट से कर लेते हैं। तो दोस्तों फाइनली यार सेटअप हो गया हमारा टीवी, और भाई मुद्दतें लग गई इस टीवी को सेटअप करने में, पता नहीं कितनी चीज़ें करनी पड़ी मेरे को, 1000 चीज़ें, बट फाइनली सॉफ्टवेयर के अंदर आ गए और अब असली क्वालिटी टेस्ट करते हैं। तो फटाफट से एक बार मैं सेटिंग में जाके एक चीज़ चेक कर लेता हूँ यार, जो सॉफ्टवेयर है मुझे काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड लग रहा है इस वन प्लस टीवी का, और लाइक ओवरऑल मैं सिस्टम अपडेट अवेलेबल भाई कितनी लाइक आज ही अभी है और
सिस्टम अपडेट अवेलेबल भी है, डिटेल्स में जाके चेक कर लेना भाई। अरे रहने दे भाई। ओ भाई सबसे ज्यादा बढ़िया चीज तो गाइस ये है, मिस्टर बीन हमारे, मिस्टर बीन है जब भी हमें बचपन में बहुत मजे करे मिस्टर बीन देख के। बट ये सारी एप्लीकेशन हम लोग को ऑनलाइन देखने, स्पीकर ही बोला यार काफी ज्यादा बढ़िया है इसके, लाइक 20 वॉट्स के स्पीकर है, डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट करते हैं, तो लाइक यार वो सब चीजें भी चेक कर लेते हैं और लेट्स सी क्या रहता है पूरा। So every wallpaper, essentially every piece of eye candy you've seen on the display is from him. Hanging with him though made me realize how much I suck, so I've been kind of toying around with the idea of, one, uploading that review in HDR, but there's a couple of reasons why I'm a little apprehensive. I've essentially gone back to older footage that was captured in HDR. I could just never see that because I didn't have a monitor that supported it. It's a little mind-blowing seeing all this dynamic range and latitude that was technically there. I just तो यार ये तुम लोगों को समझ आ रहा हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। तो बेसिकली ये जो वीडियो है ये जॉन नेथन मॉरिसन की है बेसिकली। बट यार ये वीडियो जो है एक्चुअली ये HDR अपलोडेड वीडियो है, तो ये YouTube के अंदर HDR कंप्रेस्ड वीडियो है, और इसको मैं इस पे प्ले करके ये चेक करना चाह रहा था कि इसके अंदर HDR रेंज है। तो जैसे बोला गया था कि HDR रेंज सपोर्ट करता है, मतलब हल्की NTSC कलर रेंज, अच्छे कलर गैमेट अच्छा है, तो फटाफट से यार ये चेक करने की कोशिश कर रहा था और भाई सच में मजा आ रहा है। तो गाइस इतनी जल्दी यार मैं कभी भी बहुत कम ऐसी चीज़ें जिनकी तारीफ करता हूँ, और उनमें से यार ये एक पहली चीज़ है जिसकी मैं तारीफ कर रहा हूँ, जो कि यार सच में वर्थ इट लगी मुझे भाई वन प्लस ने जो काम किया है यार इस पे। ऑन अ सीरियस नोट इस डिस्प्ले पे काम किया है भाई वन प्लस ने, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, क्योंकि भाई सबसे पहली वीडियो अगर मैं किसी भी देखता हूँ भाई मैं ये वाली वीडियो जरूर देखता हूँ, क्योंकि HDR शॉर्टेड अंदर की चीज़ों को ऐसे आत्मसंतुष्टि मिलती है। बट ये जैसे देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा अच्छी डिस्प्ले है भाई, मेरे को ज़्यादा मज़ा आ रहा है। अब इसके थोड़ी और चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली यार यहाँ पे सारे पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं, और कौन कौन से पोर्ट्स हम चेक कर लेते हैं। यहाँ भी USB है और साथ साथ एंटीना RF केबल है, ये HDMI 1 का पोर्ट है, और नीचे इधर जो है शायद HDMI 2 है, ये रहा ईथरनेट पोर्ट है, USB 2 एक और है, यहाँ पे वीडियो ऑप्टिकल पोर्ट भी है इसके अंदर, और साथ साथ ये हमारे आर ऑडियो वाले जो पोर्ट्स होते हैं वो भी है, मतलब अगर आप लोगों के पास बहुत पुराना टीवी है। साथ साथ वैसा माउंट की कंपैटिबिलिटी देखने को मिल जाती है, आप लोग दीवार में माउंट कर सकते हो, तो ऑब्वियसली बात है टीवी है, और इधर भी कुछ चीज़ें देखने को मिल जाती है एनर्जी सेवर के अंदर, तो 3-स्टार रेटिंग दे रखी है वो भी, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ लगी है मुझे इस टीवी के अंदर। और अगर क्वालिटी की बात करो तो भाई क्वालिटी है तो वह सच में अमेजिंग ही, डिस्प्ले काफ़ी अच्छा हैंग कर रही है, ये सारी जो HDR फुटेजेस है मैं जो इस पर देख रहा हूँ, बस डिस्प्ले कैलिब्रेशन देखने के लिए। देखो यार मेरे को इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं पसंद आती जल्दी से 12-13 हज़ार की, ऐसे मतलब मज़ा से नहीं आता कभी बार क्वालिटी डिस्प्ले की होती है, क्योंकि मैंने Xiaomi का टीवी यूज़ करा 32 इंच मेरे पास है, वो कमरे में लगा हुआ है, मैंने वो बहुत टाइम यूज़ करा, कम से कम 1 साल उसे यूज़ करते हुए, लेकिन जब मैंने इसको ऑन किया सच में इसकी जो पिक्सल डेंसिटी है, इसकी जो क्वालिटी है, इसकी जो लाइक पिक्चर, ये देखो जो हर एक चीज़ है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी इस प्राइस रेंज के अंदर। मैं ये नहीं बोलूँगा इट्स द बेस्ट, ऑब्वियसली बात है 13 हज़ार के अंदर बेस्ट तो नहीं मिलेगा, लेकिन ये जो आप लोगों को मिल रहा है इसके अंदर वो भी बहुत ज़्यादा तगड़ा है भाई, मज़ेदार चीज़ है, वन प्लस सच में काम किया है। हालांकि नीचे की साइड में हमारे को थोड़ी बेजल देखने को मिल जाती है यार, उसका मेरे को फर्क नहीं पड़ता। बस यार मैं ये बोलूँगा कि आप अगर बहुत पास बैठते हो तो यार पिक्सल्स दिख जाते हैं, तो थोड़ा दूर रह के टीवी देखा जाता है, ऑब्वियसली बात है इतना दूर तो रह के देखोगे तो उसमें देखने को आप लोगों को मज़ेदार ही लगेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और रही बात कलर्स की, तो सच में यार बहुत अमेजिंग है, और ओवरऑल यार मेरे को जो सॉफ्टवेयर है ना वो भी काफी ज्यादा रिफाइंड लगा, मतलब मैं अभी चेक कर रहा था जो सॉफ्टवेयर है इसका ओवरऑल, तो वो चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा मेरे को सही लग रही है। अभी जैसे देखो ये जो सॉफ्टवेयर है, मैं इधर अगर आप लोगों को देखे जाऊँ तो इनका सेटिंग्स के अंदर इन्होंने शायद कुछ ना कुछ मस्त सा सामान डाल रखा होगा। तो अगर डिवाइस प्रेफरेंसेस के अंदर खोले हम, तो पिक्चर के अंदर जाएँ अगर, तो पिक्चर बैकलाइट स्टैंडर्ड मोड के अंदर हम लोग सेट कर सकते हैं अलग अलग चीज़ें, जैसे शार्पनेस, गामा, मिडल। गामा मेरे को यार डार्क रखना है, डार्क सही रहता है क्या, डार्क मिडल ही रखता हूँ यार, छोड़ो। एडवांस वीडियो तो एक DNR भी मिल जाता है हमारे को ऑप्शन, DNR मोड भी देखने को मिल जाता है, HDMI रेंज भी देखने को मिल जाती है, PC मोड भी देखने को मिल जाता है, गेम मोड भी ऑन कर सकता हूँ मैं, तो मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इसके अंदर हैं। कलर टेम्परेचर भी सेट कर सकता हूँ, लाइक मेरे को अगर थोड़ा सा एक कहते हो वार्म टोन चाहिए तो मैं इधर वार्म कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे को कहते हैं वार्म कलर ज़्यादा पसंद आते हैं, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। पिक्चर मोड के अंदर जाके मैं विविड कर सकता हूँ इसको, तो लेट्स सी अब विविड में कैसा लगता है। तो विविड में सैचुरेशन थोड़ी सी बढ़ गई है, ज़्यादा सैचुरेशन हो गई है, तो ये चीज़ भी है मतलब आप लोग। लेकिन एक चीज़ बोलूँगा जो लाइक सॉफ्टवेयर है वो बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड और काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। यही चीज़ अगर मैं Xiaomi को कंपेयर करता हूँ, Xiaomi का सॉफ्टवेयर इतना तगड़ा नहीं है, इतना फास्ट नहीं है, इन्होंने सच में यार अपना सॉफ्टवेयर को काफ़ी ज़्यादा फास्ट बना रखा है और रिस्पॉन्स काफ़ी तगड़ा है। तो भाई मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से वाली बात चीज़ बता रहा हूँ तुम लोगों को यार, और मेरे को तो यार सच में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा लग रहा है। अब यार इसके अंदर वो कैसे खोलते थे यार, ये जो इनका इनपुट्स नोटिफिकेशंस, ओके नोटिफिकेशन एक सेंटर दे रखा है, सही है। तो यार साउंड स्टाइल के अंदर भी हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, और सराउंड साउंड जो है उसके अंदर हम लोग यूज़ द फॉर्मेट और डिवाइस रिपोर्ट सपोर्टिंग कमेंट नेवर यूज सराउंड साउंड,
सेलेक्ट विच फॉर्मेट यूजेस, तो इसमें ऑटो मुझे कैसे पता चलेगा? डाउन मिक्स मोड को भी भाई मैं सराउंड में कर देता हूँ, तो काफ़ी अच्छी चीज़ें जो है इसके, डॉल्बी ऑडियो प्रोसेसिंग ये भी ऑन कर देते हैं भाई, स्टैंडर्ड में नहीं, हमारा क्या चाहिए मूवी में चाहिए भाई, हम मूवी देखेंगे इस पर। तो गाइस काफ़ी ज़्यादा मैंने चेंज करे हैं इसकी साउंड की सेटिंग्स के अंदर, लेट्स सी क्या होता है। बेस थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, बेस चेक करेंगे, ट्रेवल भी बढ़ा देते थोड़ी 58-60 कर देते हैं, लेट्स सी 60 कर दूंगा भाई, मस्त ऐसे मजा सा आ जाएगा, अब देखते हैं। सर फाइनल वर्डिक्ट दूंगा कि अगर तुम लोगों को लेना है भाई ये तो ले सकते हो, काफ़ी अच्छी चीज़ है। लाइक जो ओवरऑल मेरे को जो क्वालिटी लगी पैनल की वो भी काफ़ी ज़्यादा तगड़ी है, कलर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं, और बाकी एक तगड़ी से और वीडियो बनाने वाला भाई इसके ऊपर, बहुत तगड़ा सेटअप बनने वाला है, तो उसके लिए भी यार वेट करना। बस यार ये थी वीडियो, पसंद आई वीडियो तो बड़ा सा लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके गाइस बाय।